Hey guys, this is Khushi और आज हम लोग आ गए फिर से एक और ब्लॉग के साथ। क्या रुको? मैं करता हूँ। क्यों आप करते हैं? मैं मुझे कल, अपने कल, चैनल के लिए भी करने दीजिए जरा। पहले चैनल तो बना लो। बना हुआ है चैनल? नहीं बना है। बना वीडियो है? हाँ है। एक भी है? अभी थोड़ा प्राइवेसी चल रही है उस चैनल। कुछ भी नहीं है गाइस, जब अगर बनाएंगे तो मैं खुद ही प्रमोट करूंगा, ठीक है? अरे मैं प्रमोट कर दूंगा जब बनाऊंगी तो। इंट्रो करने नहीं दे रहे, प्रमोट करेंगे। कर तो लिया। हेलो गाइस, दिस इज समित कुलदे। दोस्तों आज हम आ गए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। गाइस जो है हमारे साथ भी काफी सारे लोग हैं और जो है हम लोग ब्लॉग करने के मूड से नहीं थे आज, लेकिन तब भी हमने कहा चलो शूट कर लेते हैं क्योंकि इतना हंस हंस के पेट दर्द होगा। क्यों खुशी? ऋतिक जो है हमारे, पहचान अभी करा दूंगा। उधर चालू है, थोड़ा दिखाओ जल्दी, जो मारो दोस्त। तो ये है हमारे ऋतिक, ठीक है? और इनका ना कोई शॉर्ट फिल्म क्या तो है, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया है। कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ से पहुँच गए। तो भाई काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में इन्होंने जितना बताया तो भाई जाहिर सी बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं सोच रहा हूँ सिलेक्शन हो गया और मेरा भी सिलेक्शन होने वाला है उसी प्लेटफॉर्म पे। इनका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ऋतिक का हो सकता तो क्या मेरा नहीं हो सकता? तो जो है हाँ, तो हम लोग यहाँ पे इनको भाई इतना देर से रिहर्सल करा रहे हैं, थक गए यार। एक डायलॉग पे दूसरा डायलॉग, तीसरा तो छोड़ दो। तो हम लोग इतना थक गए और हंस भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको शूट करके दिखाएं कि कैसा चल रहा है। तो आज जल्दी करो, अच्छे से करो। तुझे मैं इतना पित्तल मारूंगा, इतना पित्तल मारूंगा कि डॉक्टर निकालते निकालते अमीर हो जाएगा सामने देख के। अरे भाई तुमको कितना टेक हुआ होगा सम्राट? बंद करो, इसके बंद करो। पहले तुमको अभी हम लोग सिखाएंगे, ठीक है? अभी हम लोग इधर। लेकिन ऋतिक का ये बताओ पहले कुछ अपने बारे में बता दो, ब्लॉग शूट कर रहे हैं। सिलेक्शन हुआ कैसे यार? जब तुम गाइस हम लोग बहुत करीब, कितना देर हो गया, बहुत देर से परेशान है इनको। एक पहला डायलॉग नहीं हो रहा है, दूसरा तो छोड़ दो, ठीक है? इनका ऐसा सीन है कि ऐसा दिखाना है कि वहाँ पे कोई गिरा हुआ है, उधर से चल के आना है इनको, ठीक है? चल के आएंगे उसको देखते हुए, पिस्टल लेके उसको बोलना है, बोलने दे डायलॉग। हाँ, इतने पिस्टल मारूंगा डॉक्टर अमीर क्या हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तुमको डायलॉग अभी गाइस इनका चेंज करते हैं, हाँ कि गन रख दो, हटा दो, ठीक है? स्क्रिप्ट वाला रहने देते, सुनो। हाँ स्क्रिप्ट वाला इनका थोड़ा हटाते हैं, इनको मैं कुछ डायलॉग दूंगा, पहले वो तुम करो अच्छे से, ठीक है? मैं तुमको डायलॉग देता हूँ, ये करो। सम्राट को डराना है, समझो, सारे हर डायलॉग में तुम्हारा दुश्मन सम्राट है, हाँ। और तुमको डायलॉग ये है, सम्राट इधर खड़े जाओ, तुमको तुम्हारा डायलॉग ये है, मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूँ एकदम खुल्ला। ये डायलॉग तुमको कराना है सम्राट को, ऐसा कराना वो डर जाए। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्ला। थोड़ा ब्रेक लो और थोड़ा दूर उसके मत घुस जाओ। सुनो पहले जैसे मेरा नाम है बुल्ला, ठीक है? उस पे पॉज, नहीं नहीं इतना जल्दी, थोड़ा पॉज लो बीच में, थोड़ा रुक के उसके बाद फिर से वो करना है। हाँ इधर आ जाओ, लाइटिंग इधर से आ रही है, तुम इधर चल जाओ, तुम उधर जाओ। नाम भैया कैसे हैं? आपके दर्शन हो गए मेरे। अरे भाई क्या हाल है आपके? फर्स्ट टाइम आए हैं, मत करेगा कोई। नाम क्या आपका? शिवम ग्रेजी। अच्छा घर इधर पास में होगा, ठीक है चलो। मेरा नाम है खुल्ला। अरे खुल्ला नाम नहीं, बुल्ला बुल्ला। अभी जो है ना गाइस हम लोग इन लोग इनको जो है ना स्क्रिप्ट का डायलॉग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो छोड़ दो, पहले इनको दे रहे हैं मूवीज के जो ये उसको करे अच्छे से, अगर वो कर लेते क्योंकि तुमने वो मूवीज देखा है भाई, क्योंकि इन्हों अभी एक्टिंग के मामले में ना बहुत ज़्यादा जीरो है इस टाइम पे, तो इनको पहले बहुत सीढ़ी से उठाना है। और कितना दिन बचा है अभी? और इनका जो शो है ना उसमें मतलब डायलॉग के साथ साथ तुमको एक्सप्रेशन पे ज्यादा काम करना है। तुम भाई देखो सबसे पहले ना ऋतिक अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने फेस एक्सप्रेशन पे काम करो, डायलॉग कुछ भी नहीं होता, डायलॉग आप नॉर्मल बोलोगे ना अगर आप गुस्से में हो तो सब सही हो जाएगा, समझे?
तो अपने एक्सप्रेशन पे और अपनी बॉडी लैंग्वेज, ढीलापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब ढीलापन हमारे साथ आ गए हो ढीलापन अपना खत्म करो। आपका एक्सप्रेशन के लिए ही हम लोग आपका स्क्रिप्ट वाला डायलॉग हटा रहे हैं। तो अभी पहला इनका डायलॉग देते हैं, कौन सी मूवी है, तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। बस हम रटी नहीं, थोड़ा सा आप याद कर लीजिए फिर एक बार बता दो। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, हम दोनों के बीच में अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। उसके बाद तुमको बताता हूँ। सनी देओल का देखा होगा ना तुम्हें डायलॉग, इतने गुस्से में बोलता है, वैसे कैमरे में दिखा के वही बोलना है। ठीक है, आ जाओ और सीधा हट जाओ तुम, हम पकड़ ले रहे हैं, चाहे जो पकड़ ले, जो खाली हो उधर आ जाओ। चलो चलो बोलो। काजल तुम मेरी हो केवल, अगर कोई आया तो लाशें बिछा दूंगा मैं। ये नहीं, पहले सुनो। काजल तुम मेरी हो मेरी, हम दोनों के बीच में अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। वो मर गया। चलो काजल सिर्फ तुम मेरी हो, अगर कोई, अरे यार भूल गया, आप गलत कर ही रहे हो, भूल गया मत कर। अच्छा आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलोगे ना ये लाइन, तो क्या बोलोगे अपनी गर्लफ्रेंड को? बोलोगे सुनो तुम, भूल गया, बाद में बोलूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है, फ्लो में बोलो। और अरे यार उसको डांटो मत, अरे यार वो नहीं कर पाएगा फिर। क्यों नहीं कर पाएंगे, करेंगे। चलिए डीमोटिवेट मत करिए जरा बैठ के, चलो स्टार्ट। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अगर हम दोनों के बीच में कोई आया तो फिर लाशें बिछ जाएगी। वो मर गया। हाँ, वो जो अगर बीच में आया वो मर गया। काजल तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, और देखिए पहले जैसे काजल उसको आप बुला। डायलॉग ये है ऋतिक का, मेरे मन को भाया, इधर आ जाओ, तुम्हें कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये बघीरा। बघीरा कौन है? तुम हो। वो मोगली वाला बघीरा नहीं, ठीक है, तुम्हारा नाम बघीरा है, ठीक है। चलो, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, मैं लोमड़ी का दूध पी के पला बड़ा। धीरे धीरे हम लोग कुछ ज्यादा नहीं सड़क पे जा रहे हैं, पहले इधर आओ। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के मैं बड़ा बड़ा हूँ ये बघीरा। बघीरा थोड़ा और सुनिए, मैं पला बड़ा हूँ, नहीं पला है ये बघीरा, पला बड़ा ये हूँ बघीरा। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, ये लोमड़ी का दूध पी के ये बड़ा है बघीरा। जो ना हो चलो क्या बता। अरे यार मेरे, मैं अपने तरीके सिखाऊंगा, तुमको किससे सीखना है? मैं नया डायलॉग, तुम सीख चुके। अब डायलॉग ये है, मेरा नाम है रिंकू हटेला। रिंकू हटेला, हाँ, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। खाएगा केला, ठीक है चलो। ये वाला काम नहीं, क्यों नहीं? अच्छा वहां जाओ कि ऐसे कहोगे कि ये वाला नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। केला वाला केला खाने वाली चीज है, तुम केले से डर रहे हो? मेरा नाम है टिंकू हटेला। रिंकू और तेज, रिंकू हटेला। मेरा नाम रिंकू हटेला, मेरी माँ चुड़ैल की बेटी, मेरा बाप शैतान का बेटा। दादा बता दो ना, ऐसे थोड़ी ना है, जो डायलॉग है उतना बोलो ना, पर्सनल क्यों हो रहे हो? मजाक कर रहा हूँ यार, अंदर रहे कहीं अंकल ने देखे। अंकल जी सॉरी, ये सब डायलॉग है, हम लोग अभी ऋतिक को सिखाने के लिए बोल रहे हैं। आंटी जी क्षमा प्रार्थी, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। रिंकू याद रखना, और चेला और हटेला, उसके बाद
बेटी और उधर फिर चेला, फिर रात में केला। चलो 1 2 3 स्टार्ट। मेरा नाम टिंकू हटेला, रिंकू, रिंकू, हाँ हाँ, मेरा याद रख लो। चलो, मेरा नाम रिंकू हटेला, मेरी माँ चुड़ैल की बेटी, मेरा बाप सतायन का चेला, क्या तू खाएगा केला? पहले वो जैसे केला बेचने आए हो तो जब लोग केला बेचने से पहले बताते नहीं है बहुत मीठा केला, बहुत अच्छा केला, बहुत बड़ा केला, वो नहीं बताते। सुनो, उनको भाई डरा रहे हो, डराने के लिए, केला बेचने खिलाने के लिए नहीं ये सब बता रहे हो। आप डायलॉग खाएगा केला, आप हाँ, क्या देखो देखो खाएगा केला, ये देखो मेरा नाम है रिंकू हटेला, ठीक है, इस तरीके से एकदम। हटेला किधर होता है? इधर से हटती है ना, तो ऐसे हाथ देखो, हाथ रखो ऐसे, नहीं ऐसे। ठीक है चले, हाँ कैसे दिमाग जैसे आता माजी सटकली नहीं होता है वो करो, ठीक है। मेरा नाम है रिंकू हटेला, हाँ खाएगा केला, खाएगा केला। चलो ऐसे हर एक वर्ड में, हाँ चुड़ैल की बेटी जब कहेंगे ना तो अलग ही चुड़ैल वाला कुछ देना है, ठीक है। शैतान का चेला तो चेला वाला। चलो 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी कमर पास। चलो करो करो, मैं भी खुशी बन जाऊंगा, खुशी लाऊंगा मैं भी। रिंकू है, टिंकू, रिंकू, छोटी चीज नहीं याद हो रही है, रिंकू। हाँ पूरा ध्यान तो रिंकू पे रखो, हो जाएगा। मेरा नाम रिंकू हटेला, मेरी माँ शैतान की बेटी, चुड़ैल की, चुड़ैल की बेटी, चुड़ैल लेडीज, चुड़ैल लेडीज का बेटा, चुड़ैल लेडीज। तो गाइस अभी जो है इन लोगों का ऐसे चालू रहेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ अभी 7 ही दिन बचे हैं ऋतिक के पास, तो क्यों ना उसको सीरियस होकर थोड़ा सिखा दूँ, नहीं तो कर नहीं पाएगा, उधर चालू है तो करने दो उन लोगों को। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और आज जाके उसको सीरियस होकर सिखा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और सब लोग बताओ ऋतिक कर लेंगे या नहीं, या फिर कहाँ गलती आ रही थी, आप लोग कमेंट करना। बाकी मिलते हैं ऋतिक के लिए, कुछ जरूर लिखना, 2 शब्द और अच्छे लिखना, ठीक है। मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।